मेरे राज में आप भी क्या याद रखोगे, जा सिमरन जीन ले अपनी जिंदगी। ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करने जा रहे हैं हम। आज हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आ रहे हैं, तो इस वजह से सारा रोड साफ सफाई हो रखी है। हाँ, इधर मतलब रास्ते बंद कर रखे हैं इधर से आने जाने के। उधर वो सामने स्कूल है, इसमें हम लोग श्याम बाबा के मंदिर के इधर से निकल के जा रहे थे, तो सोचा कि हम लोग श्याम बाबा के दर्शन कर लेते हैं पहले, क्योंकि दर्शन किए भी काफ़ी टाइम हो गया था। तो दर्शन करने के लिए हम लोग श्याम बाबा के मंदिर में आ गए थे, और यहाँ पे ऑल टाइम हमेशा भीड़ रहती है। हेलो एवरीवन, खम्मा गणेशा, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग। तो अभी बैकग्राउंड से पता चल रहा होगा कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, तो मैं अभी आई हूँ भाभी सा के घर पे हूँ मैं। मुझे काफ़ी टाइम हो गया आए हुए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग है ना किसी काम से आए थे, मार्केट आए थे हम किसी काम से, कुछ ख़रीदना था हमें इनके लिए, जो काफ़ी टाइम से इच्छा थी इनकी ख़रीदने की। लेकिन आज हमारे गंगापुर में मुख्यमंत्री आ रहे हैं अशोक गहलोत जी, तो इस वजह से मतलब उधर की साइड जिस साइड हमको जाना था ना, तो वहाँ पे पूरे मार्केट में पुलिस ही पुलिस हो रही है, बैरिकेड लगा रखे हैं, तो उधर के जो रास्ते हैं वो क्लोज कर रखे हैं, तो इस वजह से हम लोग नहीं गए। तो ये बोले कि अब नितिशा की भी छुट्टी होने वाली है थोड़ी देर से, तो फिर मैं ना आपको वहाँ भैया के घर पे छोड़ देता हूँ, फिर साथ में लेते हुए निकल जाएंगे। तो अभी नितिशा की भी छुट्टी हो गई, तो उसको भी वो यहीं पर छोड़ गए, तो कि अभी थोड़ी देर से निकल लेंगे, तो अब हम दोनों यहीं पर हैं। अभी नितिशा स्कूल से आई है थोड़ी देर पहले, और अब उसको भूख लग रही है, तो उसके लिए भाभी सा मैगी बना रहे हैं। वो कह रही मैगी खानी, सुबह मुझे कह रही थी मम्मा पास्ता भेजो टिफिन में, इनका अब देख पास्ता अभी सुबह इतना जल्दी बनेगा नहीं, मैंने कहा अब देख तो टाइम हो गया लेट, तो इस वजह से मैंने उसके लिए बनाया नहीं था। तो अभी वो कह रही मैगी खानी है, तो भाभी सा उसके लिए मैगी बना रहे हैं। फिर हम लोग अभी थोड़ी देर से निकलेंगे 3-4 बजे तक यहाँ से, तो देखते हैं अभी फिर से मार्केट जाते हैं या फिर बाद में खरीदते हैं। जब भी खरीदेंगे तब बताऊँगी कि हम लोग क्या खरीदने आए थे। तो गाइज, हम लोग जिस काम के लिए आए थे वहाँ हम जा रहे हैं, और अशोक गहलोत जी ने आने में काफ़ी टाइम लगा दिया, उनका 12 बजे का था आने का, लेकिन अभी 4 बजे वो आए, तो ये भी इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे ना बैरिकेड्स वगैरह लगा दिए थे, बल्लियाँ बांध दी थी रास्तों में, बंद कर दी थी, तो ये हम लोगों को छोड़ गए थे। नितिशा भी यहीं पे आ गई थी, उसके बाद में ये अब आए वहाँ से फ्री होके, तो हम जा रहे हैं, वहाँ का रास्ता खुल गया, तो हम जब भाभी साहब भी जा रहे हैं, तो भाभी साहब भी तैयार होने के लिए गए। तो हम लोग पता है कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं इन मतलब इन्होंने पता नहीं कब से सोच रखी होगी, मेरी शादी को 5 साल हो गए, 5 साल तो ये कह रहे हैं कि मुझे लेनी है लेनी है लेनी है, पर किसी ना किसी वजह से पता है इनका है ना टाल लग जाती है, रुक जाती है, लेकिन अब की बार तो इन्होंने फिक्स कर लिया, मैं दिला रही हूँ इनको गिफ्ट। मैंने सोचा मेरे राज में आप भी क्या याद रखोगे, करो ऐश जा सिमरन जीन ले अपनी जिंदगी। हाँ, इसको भी दिलवाएंगे, तो इसलिए अभी हम कहाँ जा रहे हैं आपको रास्ते में पता चल जाएगा, हम इनकी मतलब बरसों की इच्छा पूरी करने जा रहे हैं, तमन्ना। इधर से जाने का रास्ता जो बंद कर रखा है, तो बहुत भीड़ हो रही है अभी यहाँ पे, अब हमको भी टर्न लेके जाना पड़ेगा दूसरे रास्ते से। हेलो हेलो बड़ी मम्मी, दूसरे रास्ते से आ जाओ। नवे क्या हो गया बेटा, मेरे पापा का पेट्रोल खत्म हो गया। हमेशा कल ही डलवाया, पता नहीं ये गाड़ी में जाने क्या हो गया, इसको सर्विस कर। अरे वहाँ कहाँ जा रही है अकेली झूला झूलने, तो ये गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए गए,
तो पास में ही राघव बिग बाजार था, तो हम लोगों ने सोचा कि वहीं चलते हैं। तो यहाँ से कुछ लेना होगा तो वो ले लेंगे, तो भाभी सा ले रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं लेना। हाँ क्या, अच्छा शफा भी यही लेके रखती है, तो आप भी यही लोगे? हाँ। तो अपन लेंगे क्या, सब चीज है अपने तो। उधर चलो। कहाँ चलो? सब चीज ले रखी थी, बड़ी मम्मी ने ले लिया साबुन। नहीं शॉपिंग करने नहीं, हमारे गाड़ी का पेट्रोल हो गया था खत्म, तो उसका हमने फायदा उठाया, पास में ही मॉल था। और ये नितिशा ने भी अपने दो सामान तो इसके अंदर डाल दिए। डिलाइट वाला कौन सा के? क्रैक जैक। और क्या लेना है भाई? पापा मैं भी यही ले लूं क्या? क्या? हाँ ले लो ना, वो पहले वाली ले लो। नहीं डांटे अंकल, अंकल पे डांट, नहीं डांटते अंकल, अरे नहीं डांटते अंकल, नहीं डांटते बेटा। बड़ी मम्मी उसने जो जो सामान रखा सब निकाल लिया है, बस हाँ बस ठीक है। चार सामान लिए हैं इसने तो इसके काम के। और क्या लेना है? देखो देखो भाई देखो क्या लेना है। हाँ चलो अभी नेक्स्ट डे हो गया है और ये नितिशा को खाना बनाने के सामान है, तब मैं नितिशा को तैयार करूंगी, तो इसको खाना बनाऊंगी पहले। तो गाइज आज है कृष्ण जन्माष्टमी और नितिशा को स्कूल में बुलाया है कान्हा बनके, तो मैंने नितिशा को रेडी कर दिया, लेट हो गई थी काफी है, तो ये देखो मेरा कान्हा रेडी हो गया, दिखाओ। तो ये कान्हा हमारा तैयार हो गया स्कूल जाने के लिए, चलो जाओ जाओ, आपकी राधा आपका इंतजार कर रही है, जाओ जाओ जाओ, बाय, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाय कान्हा। पहले तो गाड़ी से जा रहे थे, फिर बारिश आने लग गई, तो बीच रास्ते में से वापस आना पड़ा। मैम को बोल देना फोटो खींच के भेज देंगे मेरे को, ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, खम्मा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग। तो आज सुबह नितिशा को कृष्णा बना के भेजा था, क्योंकि कल जन्माष्टमी है, तो उससे एक दिन पहले जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर रहे थे उनके स्कूल में, तो मैम ने बोला कि इसको राधा या कृष्णा कुछ बना के भेजना, तो वैसे ही उसके बाल कर्ली कर लिए, और उसकी एक फ्रेंड है वो राधा बन के आएगी, तो मैम ने बोला चलो इसको कृष्णा बना के भेज देना, तो इसलिए सुबह उसे कृष्णा बना के भेजा था, उसे स्कूल भेज दिया। और अभी मैं खाना वाना खा पी के और अभी तैयार हो गई हूँ फिर से, आज हम फिर से जा रहे हैं जहाँ हम उस दिन गए थे, मतलब कल गए थे वहाँ पे, जो हमारा काम नहीं हो पाया था, आज हम फिर से जा रहे हैं, तो देखो आज हो जाएगा। कल उस दिन अशोक गहलोत जी आ गए थे, तो इसलिए सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे थे, तो हम लोग जा नहीं पाए थे उस दिन, तो आज हम जा रहे हैं, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करने जा रहे हैं हम। है ना, ड्रीम प्रोजेक्ट है ना आपका। आइए सर, आइए मैडम। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, और आप लोगों को देख के अंदाजा हो गया होगा कि हम लोग अब यहाँ पे क्या खरीदने के लिए आए हैं। तो हम यहाँ खरीदने के लिए आए हैं इनके लिए साइकिल, बच्चों को साइकिल दिलाने की उम्र में ये खुद साइकिल खरीद रहे हैं, लेकिन शौक बड़ी चीज़ होती है वैसे, सही है ना? और क्या, इनको काफ़ी टाइम से साइकिल ख़रीदने की इच्छा थी, तो इन्होंने पसंद भी कर रखी थी, तो आज हम इनके लिए साइकिल ख़रीदने के लिए आए। कहाँ भी आपकी पसंद की साइकिल, कौन सी साइकिल पसंद करके गए आप? ये रही।
ये रही। ये है इनके सपनों का महल जिसको ये काफी टाइम से खरीदना चाहते थे। तो ये है साइकिल का स्टोर। हम है ना नितिशा की साइकिल भी हम लोग यहीं से खरीद के लेकर गए थे। इनको साइकिल खरीदनी थी काफ़ी टाइम से, लेकिन मैं मना करती जा रही थी इनसे साइकिल खरीदने के लिए, क्योंकि घर में वैसे ही बाइक है, स्कूटी है, दो दो साइकिल हैं बच्चों की तो रखने की, तो लेकिन इनके जची गई तो मैं कर ले ही लो। अब आप ये देखो आ जाओ, अच्छी लग रही है। तो इनको मोटर टायर वाली साइकिल खरीदने की इच्छा थी काफ़ी टाइम से, तो आज इनकी इच्छा भी पूरी कर ही देते हैं मेरे राज में। आप ये साइकिल तो खरीद रहे हो, लेकिन साइकिल पता है एक शर्त पे खरीदने दी है आपको, रोज सुबह सुबह एक घंटे साइकिल चला के आओगे जिससे कि ये पेट कम हो जाए। हाँ इनको है ना पता है मैंने एक शर्त पे साइकिल खरीदने के लिए अलाउ किया है। साइकिल काफी टाइम से खरीदने की इच्छा थी, बस मैं ही मना कर रही थी, तो एक शर्त पे इनको अलाउ किया है कि रोज साइकिल से एक घंटा साइकिल चला के आएंगे ताकि इनका पेट स्लिम हो जाए। और अब हमारी मैडम भी चलाएंगे साइकिल, ऑरेंज वाली ज्यादा अच्छी लग रही है वैसे। हाँ साइकिल चलाने के मजे ले रहे हैं हम। हाँ कैसी लगी साइकिल? ए ये मजा है इनको, देखो ये किस चक्कर काट रहे हैं। रेस रेस हो रही है, रेस ऐसा लग रहा है। तो हम लोग इधर की तरफ ही आए थे, तो हमने सोचा हम नितिशा को लेते हुए चलते हैं, तो हमने नितिशा को भी ले लिया। आज ये कृष्णा बन के आई थी। चलो आपके मुकुट वगैरह सब रखे हैं ना इसके अंदर? मुकुट रखा है इसके अंदर? चलो तो चलो नितिशा बॉटल भूल गई थी अपने स्कूल में, आ जाओ। तो गाइज़ हम लोग साइकिल लेने गए थे और साइकिल वहाँ से हम लोगों ने पसंद कर ली, और साइकिल पसंद करने के बाद में हम लोगों ने वहाँ उसका बिलिंग वगैरह करवा लिया था, पेमेंट भी उसका कर दिया था, लेकिन ये बोली कि मैं बाद में ले जाऊँगा क्योंकि मैं भी थी साथ में, तो फिर उसको कैसे लेकर आते थे इस वजह से कि पहले मैं आप लोगों को छोड़ जाता हूँ, फिर उसके बाद में मैं शाम को या कल जैसे भी होगा मैं साइकिल लेकर आ जाऊँगा। और फिर हम वहीं से आते टाइम नितिशा को भी लेकर आ गए थे क्योंकि इसका स्कूल भी पास ही था और इसका स्कूल का भी टाइम हो चुका था, तो हम लोग इसको स्कूल से लेते हुए आ गए थे। फिर घर पे आके खाना वाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, और अभी शाम हो गई और अभी बारिश आ गई है हमारे यहाँ पे बहुत तेज। मतलब मैंने मेरे कमरे का कल बेड इधर की तरफ लगा हुआ था, बेड इधर की तरफ किया क्योंकि बारिश नहीं आती इसलिए, और आज कल बैड किया था रात को और आज ही बारिश आ गई क्योंकि विंडो है ना, जो विंडो में से पानी आता है लग के, तो मैंने कहा बारिश तो आ नहीं रही, अब क्या ही बारिश आएगी, थोड़ी बहुत आएगी कोई आएगी, तो मैंने बैड इधर खिसकावा लिया था क्योंकि टीवी ज़्यादा पास पड़ती थी इधर से, लेकिन आज ही बारिश आ गई। देखो क्या होता है, पानी आता है या रुकता है। तो आजकल लोग यहीं पे एंड करते हैं, साइकिल घर पर आएगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया, प्लीज़ व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं और उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाहर बारिश आ रही है, और मतलब इतने दिनों में बारिश आई है ना, तो जो मिट्टी की खुशबू है ना वो इतनी अच्छी आ रही है, लिटरली मुझे बहुत पसंद है ये वाली खुशबू, बहुत अच्छी आ रही है। बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।